आपने बात कह दी, आपने वो सुन ली, सबने साउंड से सुन ली जो आपने कहना था। आप अपना कोई आश्वासन, कोई कोई आश्वासन नहीं देगा भाई। जवाब नहीं चाहिए, ये बता रहे हैं आप मांग रहे हैं स्टैंड पर नहीं है। आप तो लोकसभा में रहे हैं, आप तो लोकसभा में रहे हैं हुड्डा साहब, हो जाए आप तो हुड्डा साहब लोकसभा में रहे हैं, आप तो लोकसभा में रहे हैं, हरियाणा देख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब देंगे, मैं जवाब नहीं मांग रहा, मैं जवाब नहीं मांग रहा। आपने अपनी बात रख दी, आपने अपनी बात रख दी ना अध्यक्ष महोदय, बात आपकी नोट होगी। रिकॉर्ड आगे, रिकॉर्ड पे आगे कहा, आप पूरा हरियाणा ये सुन रहा है इन्होंने कल कहा था। आपकी बात रिकॉर्ड होगी, जो लोग अगर अगर ऑक्सीजन की कमी के बगैर उनकी आत्मा क्या कहेगी। अगर मैं आई वॉन्ट टू पुट इन रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड ऑन द असेंबली। देखिए जो आपने कहा, एक मिनट, जो आपने कहा वो रिकॉर्ड हो गया, मैं ये कहता हूँ। हाँ। लेकिन उसका जवाब नहीं आएगा, और जो जो आपने कहा वो थर्ड आ गया। दूसरा मैं ये भी कहा है कि कल की बात पे अटल लग गया उन्होंने। हाँ जी, ये तो मेरा अधिकार है, मैं उनसे कह सकता हूँ कल भी मैंने कहा था, तो आप कल भी कहते कल भी जीरो आवर मैंने कहा था। नहीं नहीं, जीरो आवर में नहीं था, जीरो आवर में था वो कल, वो तो उसमें था। मैंने कहा था, आज भी अनुरोध कर रहा हूँ, एक कमेटी तो बनाओ, कल क्वेश्चन आंसर तो दो, जवाब देते रहे ना। आज हमारे को ये तो अश्योरेंस हो कि हाई लेवल कमेटी बनाऊंगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, कितने आदमी मरे आज विपक्ष के साथियों ने भी एक सवाल उठाया, प्रदेश की शिक्षा एक तो प्रॉब्लम ये है कि सरकार के जवाब भी आप देते हो। मैं नहीं कह रहा करके भी आप देते, मैं आपको बता रहा हूँ, आप मांग रहे हो जवाब, अपक्ष उधर लेते हो, जीरो आवर के अंदर कोई रिप्लाई नहीं होता कभी। अध्यक्ष महोदय, मेरा ये अनुरोध है कि मैं, मेरा अधिकार है ये। हाँ। मैं आपके माध्यम से सदन के नेता को अनुरोध कर सकता हूँ कि निवेदन कर सकता हूँ कि आप हमारे को अश्योर करो, मैं हाई लेवल कमेटी बनाऊंगा, जांच कराऊंगा कितने ऑक्सीजन से मरे हैं, कितने कोरोना से मरे हैं। ये फर्स्ट फिक्र जो आई है सारे हिंदुस्तान के अखबारों में छपी है, उसकी हकीकत क्या है, इसमें क्या दिक्कत है। आप अनुरोध कर रहे हैं, ठीक है, आपका रिकॉर्ड हो गया अनुरोध, अनुरोध आपका रिकॉर्ड हो गया। देखिए अब मुझे, क्योंकि वैसे तो मैं अलग से अगर मुझे समय मिलता तो सारी रिपोर्ट्स ला करके आपके सामने रखता, लेकिन इमीडिएटली जो जानकारियां मिली हैं उस जानकारियों में पहली बात तो है कि ये विषय हिसार में उठा, ये विषय गुरुग्राम में उठा, ये विषय रेवाड़ी में उठा। हाँ, सब जगह तीनों जगह पर मजिस्ट्रियल इंक्वायरी कराई गई। हाँ, मैं बता रहा हूँ, तीनों स्थान बता दिए ना मैंने, ये गुरुग्राम में उठा, ये रेवाड़ी में उठा, ये हिसार में उठा, तीनों जगह पर मजिस्ट्रियल इंक्वायरी कराई गई है। और दो जगह तो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में भी आ गया कि उस प्रकार की सच्चाई कहीं नहीं है कि ऑक्सीजन के कारण से कोई डेथ हुई है, जिसमें गुरुग्राम की भी रिपोर्ट ये है और रेवाड़ी की भी है। जहाँ तक हिसार की बात है, हिसार में सोनी हॉस्पिटल, हिसार में सोनी, अब हमारे पास तो भाई ऑक्सीजन से कहां हो गया, मैं तो नहीं था। हाँ, ऐसे अखबार में लिखने की रिपोर्ट आई होगी, वही तो मैं कहूंगा। देखिए 15-13 हजार मौजूद था कि ऑक्सीजन की कमी से हुई है या कोविड से हुई है, कोविड से हुई है या कोविड की कमी से। हरियाणा में कोविड के कारण से लगभग 13 हजार मृत्यु हुई है, जिसमें से 9,500 मृत्यु तो हरियाणा के लोगों की है, 3,500 लोग ऐसे हैं जो हरियाणा के बाहर के हैं। ये टोटल आंकड़ा जो रिपोर्टेड है। अब हर मौत तो हमें से किसी ने नहीं देखी है, हर अस्पताल में हमें से कोई नहीं था। जिस प्रकार की उस समय परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हमने हर संभव प्रयत्न किया कि ऑक्सीजन की सप्लाई हर हॉस्पिटल में 24 घंटे उपलब्ध रहे। जहां तक सोनी हॉस्पिटल हिसार की बात है, वहां की रिपोर्ट भी जो आई है, मेरे पास नेग्लिजेंस बोर्ड जो डॉक्टर्स का बना है उनकी भी रिपोर्ट है, और जो मजिस्ट्रियल बोर्ड है एसडीएम की भी जो रिपोर्ट है वो भी उसमें मिली है। इसके अंदर एक रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि लापरवाही